कथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि विलायत से आने के बाद गांधी जी वकालत करने बंबई पहुंचे इसी बीच उन्हें निचली अदालत में एक केस मिला गांधी जी अदालत तो पहुंचे परंतु प्रश्न पूछने का समय आते ही उन्हें चक्कर आने लगे और शर्म के कारण मुवक्किल की फीस लौटा कर वहां से निकल गए गांधी जी ने सोचा बैरिस्ट्री न सही तो अंग्रेजी का शिक्षक तो बना ही जा सकता है परंतु ग्रेजुएट न होने के कारण उन्हें शिक्षक का पद भी हासिल न हो सका आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय पहला आघात मुंबई से निराश होकर मैं राजकोट पहुंचा वहां अलग दफ्तर खोला गाड़ी कुछ चली अर्जियां लिखने का काम मिलने लगा और हर महीने औसत तीन सौ रुपए की आमदनी होने लगी अर्जी दावे लिखने का यह काम मुझे मेरी होशियारी के कारण नहीं मिलने लगा था कारण था वसीला बड़े भाई के साथ काम करने वाले वकील की वकालत जमी हुई थी उनके पास जो बहुत महत्व के अर्जी दावे आते अथवा जिन्हें वे महत्व का मानते उनका काम तो बड़े बैरिस्टर के पास ही जाता था उनके गरीब मुक्कीों के अर्जी दावे लिखने का काम मुझे मिलता था मुंबई में कमीशन नहीं देने की मेरी जो टेक थी मानना होगा कि वो यहां कायम ना रही मुझे दोनों स्थितियों का भेद समझाया गया था वो यूं था मुंबई में सिर्फ दलाल को पैसे देने की बात थी यहां वकील को देने हैं मुझसे कहा गया था कि बंबई की तरह यहां भी सब बैरिस्टर बिना अपवाद के अमुक प्रतिशत कमीशन देते हैं अपने भाई की इस दलील का कोई जवाब मेरे पास न था तुम देखते हो कि मैं दूसरे वकील का साझेदार हूं हमारे पास आने वाले मुकदमों में से जो तुम्हें देने लायक होते हैं वे तुम्हें देने की मेरी वृत्ति तो रहती ही है पर यदि तुम मेरे मेहनताने का हिस्सा मेरे साझी को ना दो तो मेरी स्थिति कितनी विषम हो जाए हम साथ रहते हैं इसलिए तुम्हारे मेहनताने का लाभ मुझे तो मिल ही जाता है पर मेरे साझी का क्या हो अगर वही मुकदमा वे दूसरों को दें तो उसके मेहनताने में उन्हें जरूर हिस्सा मिलेगा मैं इस दलील के भुलावे में आ गया और मैंने अनुभव किया कि अगर मुझे बैरिस्ट्री करनी है तो ऐसे मामलों में कमीशन न देने का आग्रह मुझे नहीं रखना चाहिए मैं ढीला पड़ा मैंने अपने मन को मना लिया अथवा स्पष्ट शब्दों में कहूं तो धोखा दिया पर इसके सिवा दूसरे किसी भी मामले में कमीशन देने की बात मुझे याद नहीं पर इसके सिवा दूसरे किसी भी मामले में कमीशन देने की बात मुझे याद नहीं यद्यपि मेरा आर्थिक व्यवहार चल निकला पर इन्हीं दिनों मुझे अपने जीवन का पहला आघात पहुंचा अंग्रेज अधिकारी कैसे होते हैं इसे मैं कानों से तो सुनता था पर आंखों से देखने का मौका मुझे अब मिला पोरबंदर के भूतपूर्व राणा साहब को गद्दी मिलने से पहले मेरे भाई उनके मंत्री और सलाहकार थे उन पर इस आशय का आरोप लगाया गया था कि उन दिनों उन्होंने राणा साहब को गलत सलाह दी थी उस समय के पॉलिटिकल एजेंट के पास ये शिकायत पहुंची थी और मेरे भाई के बारे में उनका ख्याल खराब हो गया था इस अधिकारी से मैं विलायत में मिला था कह सकता हूं कि वहां उन्होंने मुझसे अच्छी दोस्ती कर ली थी भाई ने सोचा कि इस परिचय का लाभ उठाकर मुझे पॉलिटिकल एजेंट से दो शब्द कहने चाहिए और उन पर जो खराब असर पड़ा है उसे मिटाने की कोशिश करनी चाहिए मुझे बात बिल्कुल अच्छी ना लगी मैंने सोचा मुझको विलायत के पुराने परिचय का लाभ नहीं उठाना चाहिए अगर मेरे भाई ने कोई बुरा काम किया है तो सिफारिश से क्या होगा अगर नहीं किया है तो विधिवत प्रार्थना पत्र भेजें अथवा अपनी निर्दोषता पर विश्वास रखकर निर्भय रहें ये दलील भाई के गले ना उतरी उन्होंने कहा तुम काठियावाड़ को नहीं जानते दुनियादारी अभी तुम्हें सीखनी है यहां तो वसीले से सारे काम चलते हैं तुम्हारे समान भाई अपने परिचित अधिकारी से सिफारिश के दो शब्द कहने का मौका आने पर दूर हट जाए तो यह उचित नहीं कहा जाएगा मैं भाई की इच्छा को टाल नहीं सका अपनी मर्जी के खिलाफ मैं गया अफसर के पास जाने का मुझे कोई अधिकार न था मुझे इसका ख्याल था कि जाने में मेरा स्वाभिमान नष्ट होगा फिर भी मैंने उनसे मिलने का समय मांगा मुझे समय मिला और मैं मिलने गया पुराने परिचय का स्मरण कराया पर मैंने तुरंत ही देखा कि विलायत और काठियावाड़ में फर्क है अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अफसर और छुट्टी पर गए हुए अफसर में भी फर्क होता है अधिकारी ने परिचय की बात मान ली पर इसके साथ ही वो अधिक अकड़ गया मैंने उसकी अकड़ में देखा और आंखों में पढ़ा मानो वो कह रही हूं कि उस परिचय का लाभ उठाने के लिए तो तुम यहां नहीं आए हो यह समझते हुए भी मैंने अपनी बात शुरू की साहब अधीर हो गए बोले तुम्हारे भाई प्रपंची हैं मैं तुमसे ज्यादा बातें सुनना नहीं चाहता मुझे समय नहीं है तुम्हारे भाई को कुछ कहना हो तो वे विधिवत प्रार्थना पत्र दे दे ये उत्तर पर्याप्त था यथार्थ था पर गरज तो बावली होती है ना मैं अपनी बात कह जा रहा था साहब उठे अब तुम्हें जाना चाहिए मैंने कहा पर मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए साहब खूब चढ़ गए चपरासी इसे दरवाजा दिखाओ हुजूर कहता हुए चपरासी दौड़ा आया मैं तो अब भी कुछ बड़बड़ा ही रहा था चपरासी ने मुझे हाथ से धक्का देकर दरवाजे के बाहर कर दिया साहब गए चपरासी गया मैं भी चला अकुलाया खींचा सा मैंने तुरंत एक पत्र घसीटा आपने मेरा अपमान किया है चपरासी के जरिए मुझ पर हमला किया है आप माफी नहीं मांगेंगे तो मैं आप पर मानहानि का विधिवत दावा करूंगा मैंने ये चिट्ठी भेज दी थोड़ी देर में साहब का जवाब दरवाजा दिखाने के लिए कहा चपरासी दफ्तर से बाहर नहीं गए तब उसने तुम्हें दफ्तर से बाहर करने के लिए आवश्यक बल का उपयोग किया तुम्हें जो करना हो सो करने के लिए तुम स्वतंत्र हो ये जवाब जेब में डालकर मैं मुंह लटकाए घर लौटा भाई को सारा हाल सुनाया वे दुखी हुए

अगर तुम्हें सुख से रहना हो और दो पैसे कमाने हो तो मिली हुई चिट्ठी फाड़ डालो और जो अपमान हुआ है उसे पी जाओ मामला चलाने से तुम्हें एक पाई का भी लाभ ना होगा उल्टे तुम बर्बाद हो जाओगे तुम्हें अभी जीवन का अनुभव प्राप्त करना है मुझे ये सीख जहर सी कड़वी लगी पर उस कड़वे घूंट को पी जाने के सिवा और कोई उपाय न था मैं अपमान को भूल तो ना सका पर मैंने उसका सदुपयोग किया मैंने नियम बना लिया मैं फिर कभी अपने को ऐसी स्थिति में नहीं पढ़ने दूंगा इस तरह किसी की सिफारिश नहीं करूंगा इस नियम का मैंने कभी उल्लंघन नहीं किया इस आघात ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय पहला आघात वाचन स्वर जैनेन्द्र सिंह प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज